जब बच्चा स्कूल जाता है और क्लासरूम में बैठता है लर्निंग करने के लिए, तो उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट डालने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, उसकी टीचर, वो कैसा पढ़ा रही है, क्या कर रही है, और दूसरा उसके लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करूँ टीचर की, तो टीचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाने में भी टीचर का ही कहीं ना कहीं रोल होता है। तो यहाँ पर जो है आज के टॉपिक में हमने यही बात करनी है कि लर्निंग इन्वायरमेंट यानी जो क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट है, उसमें टीचर का क्या रोल है। अगर ये इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छे से एक टीचर क्रिएट करती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप लोग जो है आने वाले फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका क्या रोल है और किस तरीके से आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। और ये सिर्फ जो इन्वायरमेंट है एक स्पेशल बच्चों के लिए ही नहीं, इवन कि नॉर्मल बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना वक्त जाया कि आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला टीचर का रोल आता है फिज़िकल स्ट्रक्चर रेडी करना क्लासरूम का। अब वो जो फिज़िकल स्ट्रक्चर जो टीचर रेडी करेगी, वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स होना चाहिए, यानी क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग होनी चाहिए। फिज़िकल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ चेयर टेबल नहीं आता है, यहाँ तक कि वॉल जो है वो कैसी होनी चाहिए, उस पर कौन से चार्ट पेपर्स लगे हुए होने चाहिए, लगे भी होने चाहिए या नहीं लगे होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड किस तरीके से होना चाहिए, सिटिंग प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें आती है जो क्लासरूम के अंदर में अवेलेबल हैं, वो उसकी प्लानिंग करना सही तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है फिज़िकल स्ट्रक्चर जो है बच्चे की लर्निंग पर। रीज़न, अगर सिटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं होगा तो क्या होगा कि बच्चे की जो है टीचर के साथ इंटरेक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो बच्चे की लर्निंग इफ़ेक्ट करेगी। हो सकता है उसे ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो बच्चे की लर्निंग इफ़ेक्ट करेगी, या लाइटिंग जो है क्लासरूम में वो सही नहीं हो रही है तो लर्निंग इफ़ेक्ट करेगी, सिटिंग कंफर्टेबल नहीं है तो इफ़ेक्ट करेगी। यहाँ पर ये नॉर्मल बच्चों का भी मैं बता रही हूँ, और साथ ही में स्टूडेंट्स अगर डिसेबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिसेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्लासरूम जो है अरेंज करना होता है। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित जो बच्चे हैं, यानी ऑटिज़म अगर बच्चे को है, तो वहाँ पे अगर आप वॉल्स पे बहुत सारे चार्ट पेपर लगा दोगे तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। और यही अगर मैं बात करूँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को, तो उनको थोड़ा सा क्रिएटिव चाहिए होता है और जो है अट्रैक्शन वाली चीज़ें चाहिए, ताकि वो बच्चा अट्रैक्ट होके पढ़ सके, ध्यान अटेंशन ले सके टीचर। तो दोनों डिसेबिलिटी नेक्स्ट आता है जब बच्चा क्लासरूम में आ रहा है, तो सभी का असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट जो है फिजिकल एनवायरनमेंट में रखते हुए फिजिकल एनवायरनमेंट बच्चे को क्रिएट करना चाहिए, गोल चूज करने के लिए जरूरी है, उसके लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज चूज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे को एक टीचर को पूरी तरीके से जानना जो है बहुत जरूरी होता है, बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे की वीकनेस, बच्चे की जो एबिलिटी है या उसका करंट लेवल जानना जरूरी है। तो सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा असेसमेंट टूल ज़रूरी है, या असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक असेसमेंट करने के लिए असेसमेंट टूल चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर सही असेसमेंट टूल चूज़ किया तभी जो है एक सही नॉलेज जो है टीचर को उस बच्चे के बारे में मिल पाएगी। अदरवाइज़ वो नॉलेज जो है जो भी उसने असेस किया है, अगर टूल सही नहीं होगा चूज़, तो वो जो नॉलेज मिलेगी बच्चे के बारे में या जानकारी मिलेगी वो सही नहीं होगी, सही कलेक्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो है टीचर आगे के लिए उसके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट या फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है वो सही तरीके से चूज़ नहीं कर पाएगी, नहीं बना पाएगी, उसके लिए गोल सही नहीं बना पाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए कि वो एक सही असेसमेंट टूल चूज़ करे।
अभी बात करी कि असेसमेंट टूल जो है चूज़ करना क्यों ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं टीचर के लिए बच्चे को पूरी तरीके से जानना ज़रूरी है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी के साथ उसकी वीकनेस, उसका बैकग्राउंड, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेज, उसकी मदर टंग क्या है, किस तरीके की उसकी लैंग्वेज में बात होती है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा टीचर वही है जो अपने सभी स्टूडेंट्स के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज रखता हो। नेक्स्ट आता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। यहाँ पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसके अंदर बच्चा अपनी बात खुलकर रख सके, डरे नहीं या किसी भी काम को करने में जो है झिझके नहीं। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पॉजिटिविटी हो, टीचर के मन में भी पॉजिटिविटी हो बच्चे को लेकर, और बच्चों के लिए भी पॉजिटिविटी हो टीचर को लेकर या किसी भी वर्क को लेकर, नहीं मैं कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए हो सकता है। नेगेटिविटी ना हो कि बच्चा जो है काम को देखकर डरना शुरू कर दे कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, या टीचर को देखकर डरना शुरू कर दे, टीचर आ गई तो वो सहम जाए, वो कोई काम ना कर सके, कोई बात ना कर सके। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों के मन में पॉजिटिविटी हो किसी भी चीज़ को लेकर। आता है एक टीचर की एबिलिटी है या स्किल है, मोटिवेशन कह सकते हैं, कि टीचर किस तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है कि वो कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी काम को करने में पीछे ना हटे, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी हो या कंपटीशन में पार्टिसिपेशन की बात हो, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन की बात हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, ड्राइंग हो, किसी भी तरीके की एक्टिविटी में हो, बच्चा अगर पार्टिसिपेशन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए मोटिवेट करना। जो बच्चे नहीं भी करना चाहते हैं उनको भी इस तरीके से मोटिवेट करें ताकि बच्चा खुद से आगे बढ़कर जो है उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट आते हैं कि टीचर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गोल जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए स्टूडेंट के, यानी एप्रोप्रिएट कैसे कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, गोल को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ उसकी वीकनेस से हटकर होना चाहिए। यानी ऐसा गोल ना हो जिससे जो है बच्चा को आप दे रहे हो उसके अंदर बच्चे की वीकनेस है, यानी बच्चा लाइक एग्जांपल के तौर पर बच्चा एक मैथ्स है, स्किल है, वो उसे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, उसकी कोई स्पेसिफिक है, उसका सम जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप वही चीज़ बच्चे के सामने लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है डीमोटिवेट हो जाएगा। उसके मन में अगर वो चीज़ नहीं कर पाएगा, एक टास्क नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या और बच्चों से जो है नेगेटिव करेगा, उस बच्चे ने कर लिया, मैं नहीं कर सकता, मैं उससे डिफरेंट हूँ, तो बहुत सारी जो है नेगेटिविटी उसके मन में भर जाएगी। तो इसलिए गोल चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक सही गोल चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए बच्चों को अपने यानी स्टूडेंट्स को जो है जानना बहुत ज़रूरी है। आता है रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, यानी मटेरियल अवेलेबल कराना अकॉर्डिंग टू चाइल्ड या अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। यहाँ पर जो है ज़रूरी है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप एक्टिविटी लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल जो है सही होना चाहिए, पता लगे आपकी एक्टिविटी कहीं भाग रही है और जो आप मटेरियल लेकर आ रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी आपका अगर कोई VI बच्चा है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उसके लिए जो लार्ज प्रिंट होता है उस तरीके के रिसोर्सेज होने चाहिए या ऑडियो वाले रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आपका जो है ASD बच्चा है उसके लिए विजुअल होना चाहिए, तो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चों को चाहिए होते हैं, तो आपको सभी बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए जो है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो है रिसोर्सेज अवेलेबल बच्चों को कराने हैं। टीचर्स की एक ड्यूटी रिसोर्सेज या मटेरियल अवेलेबल करवाना भी होती है। पढ़ते हैं हम लोग के बच्चों के लिए एक्टिविटी इंटरेस्टिंग बनाना भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं पता कि बच्चा बैठ गया और खुद लेक्चर लिए जा रहे हो सामने, बच्चा बोर हो रहा है,
या जो भी एक्टिविटी आपने तो अपने इंटरेस्ट से बड़ी बना ली, लेकिन बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो एक्टिविटी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की अगर लेवल की होगी तो बच्चा ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। अगर बच्चे के लेवल से ऊपर जा रही है वो एक्टिविटी तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आगे इंटरेस्टिंग कैसे बन सकती है वो आपको आगे जानना पड़ेगा, लेकिन एक्टिविटी जो है इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और एक ही एक्टिविटी अगर आप बार बार करवा रहे हैं तो वो भी बच्चे के लिए इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगी। तो एक्टिविटी को टाइम टू टाइम चेंज करना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिविटी इंटरेस्टिंग के साथ साथ जो है ये नहीं भूल जाना चाहिए कि गोल जो हमारा है उसका क्या एम है, ये एक्टिविटी कराने का क्या एम है, क्या गोल था, वो ज़रूर एक्टिविटी पूरा करे। अब पता लगे कि मेरा गोल तो बच्चे को कलरिंग सिखाना था, कलर्स की आइडेंटिफिकेशन करना, लेकिन वो गोल तो कुछ जो है फिज़िकल एक्टिविटी में ही रह गया, जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो बच्चा सीख ही नहीं पाया। तो बच्चे के लिए जो भी गोल ओरिएंटेड आप एक्टिविटी ले रहे हैं तो ध्यान रखिए वो गोल जो है अचीव होना चाहिए। एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए इंटरेस्टिंग भी और गोल भी अचीव हो जाए। सुनने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी लगती हैं, बट जब करने लगते हैं तो सभी चीज़ों को साथ लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन स्टार्टिंग में एक टीचर को डिफ़िकल्टी होती है इन सभी चीज़ों को साथ लेकर चलने में, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे चीज़ें जो हैं ईजी हो जाती हैं, उन्हें करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ जाते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूज़ डिफरेंट वे ऑफ असेसमेंट, यानी यहाँ पर जो है असेसमेंट तो बच्चों के लिए करना है, हमने पहले भी बात करी टूल सही करना है चूज़ करना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से असेसमेंट करना है। यानी यहाँ पर जो है आप बच्चे का रिटन भी लेंगे, ओरल भी लेंगे, प्रैक्टिकल्स भी लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वे हर एरिया के अंदर लेंगे। यानी आप अगर आउटडोर करवा रहे हैं एक्टिविटी उसका असेसमेंट होगा, राइटिंग का होगा, रीडिंग का होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जो है डिफरेंट डिफरेंट वे में अगर असेसमेंट करेंगे तो बच्चे का रिजल्ट जो है सही और बेटर तरीके से आएगा। क्योंकि कोई बच्चा किसी में किसी की चीज़ की स्ट्रेंथ है, किसी में किसी चीज़ की स्ट्रेंथ है, तो हमें जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे एरियाज़ हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट वे में हमें असेसमेंट बच्चों का लेना होता है। आता है ओपन कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा अपनी नीड को रख पाए, क्या ज़रूरत पड़ रही है उसे, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसे क्यों चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्यों उसे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओपन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो है ओपन कम्युनिकेशन का एक टाइम ड्यूरेशन टीचर्स को ज़रूर रखना चाहिए, आधा घंटा 15 मिनट, ताकि बच्चे के साथ जो है डिस्कशन कर सके। और यहाँ पर जो है डिस्कशन के साथ ज़रूरी है कि टीचर डराए नहीं। अगर जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप डर का होगा कि स्टूडेंट टीचर से डरेंगे, तो वहाँ कभी भी ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है इमीडिएट और पॉजिटिव फीडबैक हमेशा होना चाहिए। मैंने बार बार बोलती हूँ इस चीज़ के लिए, जैसे बच्चा जो है थोड़ा सा भी आपसे कुछ इंटरेक्ट कर रहा है या कुछ कहना चाह रहा है तो उसे इग्नोर मत मारिए, उसका तुरंत जो है रिप्लाई दीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ के उसका रिप्लाई करिए, और जो रिप्लाई करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो कोई काम गलत भी कर रहा है तो उसमें से उसका पॉजिटिव पॉइंट निकालते हुए उसको गलती बताना जो है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो टीचर है वो फीडबैक हमेशा पॉजिटिव ही दे, नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस का बच्चों के आगे कम से कम यूज़ करें उनके लिए। आता है पॉजिटिव काउंसलिंग, ये बहुत ज़्यादा टीचर का एक कह सकते पढ़ाने के साथ साथ दूसरा रोल होता है काउंसलिंग करना। तो जो काउंसलिंग है वो टीचर की हमेशा पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि बच्चे के लिए नेगेटिव काउंसलिंग करें, बेटा आप तुम रहने ही दो, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं जो है तुम्हारे घर में ये काम दे दूंगी, घर वालों से करवा आना, ये यहाँ पे तुमसे नहीं होगा। तो इस तरीके की काउंसलिंग बिल्कुल भी ना करें बच्चों को, हमेशा बच्चों की स्ट्रेंथ बने, बच्चों की ऐसी काउंसलिंग करें ताकि वो आपके होते हुए जो है सभी गोल अचीव कर ले। तो पॉजिटिव काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आपने नेगेटिव बच्चे के लिए बोलना शुरू किया, काउंसलिंग नेगेटिव वे में करी, तो वहाँ बच्चा डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा, और डीमोटिवेट होते ही बच्चा जो है क्लास में और पीछे होता चला जाएगा, उसकी लर्निंग जो है आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो जाएगी।
क्लासरूम के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, तो अगर डिस्ट्रैक्शन है किसी भी तरीके का, ऑडियो अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रही हैं या विजुअल डिस्ट्रैक्शन कहीं हो रहा है या क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको रिमूव करना है। यहाँ पर जो मटेरियल है उनको रिमूव कर सकते हो, स्टिमुलस जो है रिमूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ स्टूडेंट को रिमूव नहीं करना है। ऐसी टेक्निक अपनानी है जिससे वो डिस्ट्रैक्शन जो है क्लासरूम में ना करें। तो यानी क्लासरूम इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ना हो, लर्निंग इन्वायरमेंट हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बच्चों को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है डिफरेंट जो चीज़ें सीखते हैं, ज़रूरी है क्लासरूम में बैठकर ही सीखा जाए या अपने दो चार जो पीयर्स हैं उनके साथ, तो डिफरेंट ऐसी एक्टिविटी रखें जिससे इंटरेक्शन जो है बच्चों का दूसरी जगह, दूसरी कम्युनिटी, दूसरे पर्संस के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ हो, दूसरे क्लासमेट्स के साथ हो। तो लेकिन वो जो होगा इंटरेक्शन होगा वो टीचर की गाइडेंस में होना चाहिए, ताकि जो भी वो लर्निंग कर रहे हैं वो गलत लर्निंग ना हो या नेगेटिव वे में ना उसके जाए। तो प्रॉपर जो गाइडेंस होना चाहिए वो टीचर की गाइडेंस में ये लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों के लिए, जब आप गोल चूज़ कर रहे हैं तो एक सही टीचिंग टेक्निक, सही मेथड, वो भी चूज़ करना टीचर का काम है। अगर सही टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ नहीं होगी या कोई मेथड जो है आपको अप्लाई करना है वो नहीं किया आपने, या जो आपने मेथड अप्लाई किया वो सही रिज़ल्ट नहीं लेकर आ रहा, तो उसे टाइम से चेंज अगर नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं जो है लर्निंग बच्चे की इफ़ेक्ट करेगी। तो इसलिए जो मेथड है, स्ट्रेटजीज है, वो सही अप्लाई करना और टाइम से उसे जो है देखना कि वो सही रिज़ल्ट ला पा रही है या नहीं ला पा रही है। अगर ला रही है तो उसे कंटिन्यू करना, अगर नहीं ला पा रही उसे तुरंत चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, ये डाइवर्सिटी जो है लैंग्वेज पे हो सकती है, डिफरेंट अगर लैंग्वेज कोई बच्चा बोल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना, हो सकता है बच्चों का कल्चर अलग हो उसे एक्सेप्ट करना, हो सकता है कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हों लर्नर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के लर्नर्स हैं उसे एक्सेप्ट करना, या डिफरेंट टाइप की डिसबिलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करना। तो किसी तरीके की भी अगर क्लास में डाइवर्सिटी है तो उसे एक्सेप्ट करना जो है टीचर की जो है ज़रूरत भी है, और एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप सभी तरीके की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, ना कि उनके लिए नेगेटिव जो है अपने मन में रखें, ताकि जो है अगर नेगेटिविटी रखेंगे तो क्या होगा कि बच्चे भी नेगेटिव हो जाएंगे, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सही गोल चूज़ नहीं कर पाएंगे, उनको जान नहीं पाएंगे, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्लासरूम में पॉजिटिव वे रखते हुए सभी को एक्सेप्ट करना। यहाँ पर क्लास आज की ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा एक टीचर का रोल क्या हो सकता है क्लासरूम के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे आने वाली अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो जल्दी से जाइए वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।